दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे टाइलोसिन से लेकर के कि टाइलोसिन जो एंटीबायोटिक है वो हम किन किन एंटीबायोटिक्स के साथ, अदर एंटीबायोटिक के साथ लगा सकते हैं, किन किन के साथ नहीं लगा सकते हैं। देखिए, अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं इस पर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं आपको जानकारी देता हूं कि ये किन किन एंटीबायोटिक के साथ लगाना, किन के साथ नहीं लगाना। आपको अगर बाहरी तौर पर देखें तो ये एक प्रकार का मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक है, इस वजह से ये सिर्फ सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करता है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ इसका असर जो है वो बहुत ही कम, नगण्य होता है। तो अगर कोई भी एंटीबायोटिक जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने वाला है, जैसे कि पेनिसिलिन में बेंजाथीन पेनिसिलिन जो आता है वो ग्राम पॉजिटिव के साथ काम करता है, तो अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने वाला कोई भी एंटीबायोटिक है उसके साथ इसका इस्तेमाल कोई मतलब नहीं रखता है, तो वहां हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना होता है। पशु चिकित्सक इसका इस्तेमाल कहां करते हैं? इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ, क्योंकि ये मेनली इसका जो एक्शन होता है वो माइकोप्लाज्मा के खिलाफ होता है। तो जहां पर भी माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो मेस्टाइटिस हो, चाहे वो निमोनिया हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, जहां माइकोप्लाज्मा का रोल होता है, इसके बगैर काम होता ही नहीं है, तो ये बहुत ज्यादा वहां जरूरी हो जाता है। लेकिन इसे कभी पशु चिकित्सक अकेला नहीं लगाते हैं, इसको किसी ना किसी एंटीबायोटिक के साथ लगाया जाता है। तो हमेशा ही इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के साथ ही लगाना है। अगर हम उदाहरण लें तो जो पेनिसिलिन ग्रुप है उसमें से जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उनके साथ ही अच्छा काम करता है। पेनिसिलिन का ब्रॉड स्पेक्ट्रम जैसे एमोक्सिलिन फोर्ट हो गया, मोक्सिल हो गया, इनके साथ ही अच्छा काम करता है। इसके अलावा पेनिसिलिन का जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बनाया हुआ रहता है, जैसे डाइक्रिस्टिसिन इंजेक्शन है उसमें पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन को मिला करके उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम बना दिया गया, तो वहां उसके साथ भी ये अच्छा रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर हम देखें सेफलोस्पोरिंस, तो सेफलोस्पोरिन ग्रुप के जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं और उनके साथ ये बहुत अच्छा वर्क करता है। और उसमें भी अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जैसे एक साधारण सा उदाहरण है सेप्ट्राइजोन, सेप्ट्राइजोन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फील्ड में, ठीक है, पशु चिकित्सक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन उनके साथ एक बीटा लैक्टम इनहिबिटर जुड़ता है जैसे टेजोबैक्टम, और उनका जब बनता है उदाहरण के तौर पर इंटरसेप्टिजो, तो उसके साथ तो इसका रिजल्ट भाई बहुत ही शानदार है। इसके अलावा कई प्रकार के जो क्विनोलोन ग्रुप के एंटीबायोटिक्स हैं उनके साथ भी कई पशु चिकित्सक यूज करते हैं, जबकि सबसे बेस्ट रिजल्ट सेफलोस्पोरिन और पेनिसिलिन के जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है उनके साथ इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार रहता है।